मीडिया का भी एक 20 साल का सफर था। उससे पहले तो मीडिया बंद था, उससे पहले तो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो तो सिर्फ पीटीवी थी। तो जनरल मुशर्रफ, उसको दाद दें हम कि वो एक डिक्टेटर होते हुए उसने मीडिया खोल दिया, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के साथ सपोर्ट थी। लोग तंग थे इन दोनों पार्टी से, इनकी करप्शन दो दो दफा करप्शन में गई, लोग तो तंग थे। तो लोगों ने मुशर्रफ को खुश आमदेद, उसको वेलकम किया। मुशर्रफ ने मीडिया खोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और वो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शऊर पैदा किया पब्लिक के अंदर। मेरी पार्टी बनी क्योंकि मुझे मौका मिल गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाने के लिए, नहीं तो टू पार्टी सिस्टम है, तीसरी पार्टी तो नहीं आती। अब वो सारा जो मीडिया का एक पूरा एक सफर तय करके यहां पहुंचे थे, वो जीरो हो गए। एक हुक्म मिला है कि इमरान खान का आपने नाम नहीं दिखाना, यानी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस लीडर के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा पब्लिक ओपिनियन में सपोर्ट है, उसको गायब कर दिया, तो दिखाना क्या फिर मीडिया पे? और फिर सहाफी चुप करके, यानी मैं आज देखना चाहता था कि कितने में दम है, क्या वाकई आप आजादी राय और आजादी मीडिया के साथ खड़े थे, या आपको कितनों को सिर्फ ये आजादी राय के पीछे छुप के एजेंडाज के ऊपर काम कर रहे थे, और मालिकान के जो एजेंडाज हैं उनके ऊपर काम कर रहे थे, और मालिकान उनसे फायदा उठाते हैं, उनको इतना फायदा इससे नहीं होता जो चैनल से मिलता है, उनको जो बिजनेसेस में फायदा होता है। तो कितने सहाफी थे जो उन एजेंडाज पे चल रहे थे? अल्लाह का करम यह है कि दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। इस मुश्किल वक्त में लोगों का पता चलता जा रहा है, और मीडिया की पूरी समझ आनी शुरू हो गई है कि मीडिया किधर खड़ा है, और लोग सारे सोशल मीडिया पे चले गए हैं और सोशल मीडिया से अब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि उस कौम को तो पता चल गया कि मीडिया अब सेंसर हो गया बिल्कुल। और उसके बाद जो अगली बात करता हूं कि अब इसके बाद हमारी इकॉनमी आ गई, हमारी जमहूरियत भी खत्म, इदारे जमहूरी इदारे भी खत्म, सिर्फ एक पार्टी को बाहर रखने के